फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमने अल्मोनियम फॉइल को यूज़ करके कैसे दिया बनाया है। आप इसी तरीके से दिए बना सकते हैं और कल हम सब मिलके दिए जला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑल राउंड गार्गी में आपका फिर से स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपके सामने ये सब सामान क्या रख रखा है। ये हमारी किचन में या हमारे घर में यूज होने वाला नॉर्मल सामान है। आज हम किसी भी रेसिपी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं मोदी अभियान के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 तारीख को, 5 अप्रैल को मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है सबसे कि आप कैंडल्स जलाएं, मोमबत्तियां जलाएं, अपने घर में दिए जलाएं। तो ऐसे में हमारे पास कहाँ से कैंडल्स और मोमबत्तियां और जो दिए हैं, हम कैसे अरेंज करें? ये इन्होंने इतना बड़ा जो इनिशिएटिव लिया है वो सिर्फ कोई मजाक में नहीं लिया है। इसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोच है। एक तो सबसे बड़ी जागरूकता जो हमारे अंदर, घर में बैठे बैठे हम बोर हो रहे हैं, तो एक हमारे अंदर उत्साह क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये विचार लाया है सबके सामने। दूसरा, जो दिया होता है, कैंडल होती है या मोमबत्ती या कुछ भी जो हम जलाएंगे, उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो इस कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। तो क्यों ना हम घर में जो रखा हुआ सामान है उसी में से कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडिया क्रिएट करें जिससे हम पूरी बालकनी को या अपना पूरा जो जहाँ हमें दिए लगाने हैं उसे डेकोरेट कर सकें। हम एक एक ही क्यों जलाएं, हम पूरा दिवाली की तरह उसे क्यों ना सजाएं? तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 4 आइडियाज। मैं आपको 4 तरीके से दिए बनाना बताऊंगी आज। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं नींबू के छिलके। ये यूज्ड नींबू है, इसका रस मैंने यूज कर लिया है, तो इसके जो छिलके बचे थे उनको मैंने ले लिया है। दूसरा, मैंने लिया है आटा। तीसरा, मैंने अल्मोनियम फॉइल लिया है। इसको मैं थ्रो करने वाली थी तो थ्रो नहीं करके मैं इसको यूज करना बताऊंगी कि इससे कैसे दिए बना सकते हैं। और चौथा है, मैंने जो यूज करना है वो है ये कैंडल्स, टूटी हुई कैंडल्स। तो टूटी हुई कैंडल्स को कैसे हम खड़ा नहीं कर सकते, तो इनको कैसे रीयूज कर सकते हैं? तो चलिए एक एक करके फटाफट हम देखते हैं इनसे हम दिए कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नींबू के छिलके को लेती हूँ। इसमें से मैंने सारा जूस निकाल दिया है। इनको मैं अच्छे से वॉश करूंगी और इसको उल्टा करके सूखने रख दूंगी धूप में। इसकी वजह से ये कटोरी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसमें हम बहुत आसानी से दिया जला सकते हैं। तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इन नींबू के छिलकों को अच्छे से धो लिया है और इनको मैं रिवर्स कर दूंगी इस तरीके से और इनको धूप में सूखने के लिए रख दूंगी जिससे मैं कल इनको यूज कर सकूं। मैं कल एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये आपको ये सारी चीजें यूज करके भी दिखाऊंगी। आज मैं बता रही हूं कि कैसे बनाना है। सेकेंडली, इस टाइम लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो बहुत डिफिकल्टी होती है कि हम कहाँ दिया लेने जाएं, कैंडल्स लेने जाएं, और फिर एज पर डिमांड उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में घर की जो चीज़ें हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने घर को सजाना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये 5 नींबू के जो पीसेस हैं, छिलके हैं, ये कैसे स्टेबल हो गए हैं। अब मैं इनको सूखने के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स, अब हम आटे से दिया बनाएंगे। आटे से दिया, आप लेमन की जगह कोई और, अगर कोई फ्रूट हो जिसको आपने यूज किया हो और जिसकी शेल थोड़ी मोटी हो, हार्ड हो, वो भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। मैंने इस तरीके से इसको रखा और ये मेरा इस तरीके से दिया बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा शेप दे देती हूँ, इसको हल्का सा उठा देंगे। अगर आपके पास घर में क्ले हो तो आप उस क्ले को भी यूज कर सकते हैं।
ये देख सकते हैं आप, हमें थोड़ी सी गहराई चाहिए और ये मैंने एक कटोरी जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है। इसी तरीके से मैं आपको एक और दिया बनाना बताती हूँ। इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे तो इसकी जो कैविटी है वो गहरी होती जाएगी और जो आपका दिया है वो बहुत अच्छी शेप में आ जाएगा। देखिए पहले मैंने इसको हल्का सा जैसे मटर पोटली बनाते हैं वैसे बनाया और उसको फिर उसकी वॉल्स को हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए चले गए और इसको हमने शेप दे दिया। ये जो दिए हम बना रहे हैं ये आज हम बना के रख रहे हैं जिससे कल हम इनको जलाएंगे। ये जब सूख जाएंगे तो ये बहुत अच्छी शेप में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इन दियों को आप सुखा भी सकते हैं और फ्रेशली बना के जला भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो दिए बनाना सिखाया। तीसरा जो हम प्रोडक्ट है वो यूज़ करेंगे, जो तीसरा आइटम है वो जो हमारा अल्मीनियम फॉइल होता है यूज़ करा हुआ, उसे हम खोलेंगे। और इसको हम काट लेंगे। याद रखें कि ये जो अल्मीनियम फॉइल का यूज करने वाला पोर्शन होता है, ये वाली साइड जो होती है उस साइड से हमें यूज करना है, मतलब दिया जलाना है, तो दूसरा बैक साइड इसका इन्वर्ट करेंगे हम इस तरीके से और एक कैविटी बनाएंगे। अभी जैसे हमने आटे की कैविटी बनाई थी बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी कैविटी बनाएंगे। और इसको इस तरीके से हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तो ये भी हमारा एक दिया बनके तैयार हुआ है। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ, आप किसी भी शेप में इसको काट के यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यही शेप बनाना है। तो मैंने इसको काटा, ये वाली साइड को ऊपर ही रखना है और ये वाली साइड को हमें पीछे लेके जाना है। और मैंने इसको दोबारा फोल्ड किया और मेरा एक छोटा सा दिया, बस इसको इस तरीके से फोल्ड किया है मैंने। और इस तरीके से मैंने इसकी अंदर एक कैविटी बनानी है। अगर आप फोल्ड नहीं कर पा रहे तो आप इस तरीके से अपने अंगूठे की हेल्प से इसको प्रेस करें और कैविटी अपने आप बन जाएगी इस तरीके से। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा ऑयल या घी इसमें भरना नहीं है, बहुत कम अमाउंट में भरना है। एज अ टी लाइट कैंडल की तरह हम इसको यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा हो गया एक मेरा और एक छोटा दिया बन गया है, ये बन के मेरा तैयार हो गया है। चौथा जो स्टेप है मैं आपको बताने जा रही हूँ, वेस्ट कैंडल्स को हमें यूज़ करना है। तो वेस्ट ये जो कैंडल्स हमारी टूट जाती हैं उनको हम ब्रेक करके मेल्ट करेंगे आप किसी भी जार में इनको ले सकते हैं। इस तरीके से मैं सारी कैंडल्स को इसमें इकट्ठा कर दूंगी। अब हम इसको मेल्ट करेंगे।
मेल्ट करने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब मैं इसके नीचे गैस ऑन करके इसको गर्म करूंगी पानी को। हमें इस पानी को गर्म करना है, मींस हमें डबल बॉयलर यूज़ करके इस वैक्स को, ये जो पैराफिन वैक्स है जो कैंडल का, उसे हमें मेल्ट करना है। आप चाहें तो माइक्रोवेव का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, पानी बहुत गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर वैक्स को मेल्ट होने के लिए रख दूंगी। मैंने वैक्स को मेल्ट होने इसमें रख दिया है। विद इन 2 to 3 मिनट्स ये मेल्ट हो जाएगा। और मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है। जब तक हमारा वैक्स मेल्ट हो रहा है, तब तक हम मोल्ड्स रेडी कर लेते हैं। मैंने सिलिकॉन मोल्ड्स लिए हैं, ये मफिन वाले मोल्ड्स हैं। आप चाहें तो सिंपल कोई भी प्लास्टिक की कटोरी या स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन उसको बस ग्रीस करना पड़ेगा। ये जो सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं, इनको ग्रीस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपके पास चॉकलेट का मोल्ड है तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल जो पूजा में यूज़ होने वाली बत्ती होती है वो यूज़ की है। मेरे पास इस टाइम विक्स नहीं है, कैंडल विक्स नहीं है, तो मैं इनको प्लेस कर दूंगी। इसी तरीके से मैं सारी विक्स को नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड करके इनको प्लेस कर दूंगी। इस तरीके से हम सारे मोल्ड्स में इनको लगा देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो वैक्स था, इसको मैंने ग्लास बाउल में शिफ्ट कर दिया था प्लास्टिक की जगह, और मैंने इसको मेल्ट कर लिया है बहुत अच्छे से हाई टेम्परेचर पर। आप देख सकते हैं पूरे जो कैंडल्स हैं हमारी, वो मेल्ट हो गई हैं और विक्स इकट्ठी हो गई हैं। ये प्रोसेस हमें बहुत फास्ट करना है और बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और मैं अब इसके अंदर इस ये जो वैक्स है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी विक्स को निकाल देती हूँ। ये प्रोसेस बहुत संभाल के करना है, क्योंकि इस टाइम वैक्स बहुत गर्म है होता है, और बहुत जल्दी करना है सब कुछ। तो मैंने इसकी विक्स को निकाल दिया है। अब मैं इस मटेरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। क्योंकि मैं 3 कलर की कैंडल्स बना रही हूं, मैं ये बाउल हटा दे रही हूं। ये जो बाउल मैंने यूज किया था, ये बोरोसिलिकेट था, तो ये टूटता नहीं है हाई टेम्परेचर पे। आप यूज करें तो अच्छी क्वालिटी का यूज करें। मैं एक के अंदर डालूंगी ग्रीन कलर। आप कोई सा भी कलर मिक्स कर सकते हैं, मैं एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ। आपके पास जो कलर हो आप वो कलर यूज कर सकते हैं। और उसको मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें। आप फूड कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक्रेलिक कलर घुल नहीं रहा है। तो मैं, कोई बात नहीं, फूड कलर ऐड करके देखती हूँ। मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, फूड कलर। हम जो कलर ऐड करेंगे उसी कलर की कैंडल हो जाएगी हमारी। इसमें रेड कलर डाल रही हूँ और लास्ट में ऑरेंज कलर डाल रही हूँ। और फटाफट इसको मिक्स करेंगे
और मोल्ड के अंदर पोर कर देंगे। अगर आपके पास क्रेयॉन कलर्स हो तो वो सबसे बेस्ट रहते हैं, लेकिन मेरे पास क्रेयॉन कलर्स नहीं थे तो मैंने ही इसको ऐड किया है। मैं सबसे पहले रेड को पोर कर रही हूँ। इसकी विक को ऊपर करना है डिप करके। इस तरीके से बाकी भी पोर कर देते हैं। तो मैंने तीन में पोर कर दिया इसको, और पोर करने के बाद विक को डिप कर दिया है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट करना है क्योंकि वैक्स हमारा जमने लगा है। इट्स कम्प्लीटली अ डी आई वाई, तो आप अपने आप ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। बस थोड़ा सेफ्टी से करें। और ये बचा हुआ मैं इसमें डाल दूंगी, इससे जो कैंडल का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बट स्टिल अच्छा लगेगा। गुड इवनिंग सर। बस सर बढ़िया, आप कैसे हैं? ये जब तक हमारी कैंडल सेट हो रही है तब तक हम बत्ती बनाना सीख लेते हैं कि बत्ती कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, जिसमें हमने कहा था आपको हम थोड़ा सा बत्ती बनाना बताएंगे आपको। उसके बाद मैं आपको जितने भी आइडियाज बताए हैं उनसे मैं आपको अभी जला के भी दिखाऊंगी। तो आप किसी भी तरीके से बत्ती रुई को तोड़ लीजिए छोटा सा छोटा, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको हल्का सा यहाँ से स्ट्रेच करते हुए बस ऐसे करना है। सिमिलरली दूसरी साइड से इसको स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से करना है, और दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देना है। बहुत आसान है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बत्ती तैयार है। मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ जल्दी से। बहुत ज़रा सी रुई ली हमने, इसको फोल्ड किया, इसके एंड्स को एक साइड से लार्ज किया, दूसरी साइड से लार्ज किया, और दोनों एंड्स को मिला दिया इस तरीके से। फ्रेंड्स, आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कल के लिए, आप घर में ही सब कुछ तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा यही मोटिव था कि आपको तरह तरह के आइडियाज हम बता सकें। अब मैं आपको जितने भी आइडियाज मैंने आज डिस्कस किए हैं वो जला के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं, मैंने इसका थोड़ा थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ले लिया है। अब मैं इसको जला के दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर बत्ती लगा दी है घी में डिप करके। आप किसी भी ऑयल में इसको डिप करके रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये जल रहे हैं। आई होप आपको हमारा ये DIY प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, जिससे कल कोई भी ऐसा घर ना हो जिसमें दिया ना जले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।